हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेई क्लासेज मेट परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं हेमंत कुमार और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, यानी कि वैद्युत उपयंत्र एवं मापन। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये जो सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए UPBT बोर्ड के द्वारा डिजाइन किया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आप हमारी क्लास से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए JEC पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ कि अगर आप कोई विशेष और क्विकली इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 8650959597 पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे JEE क्लासेज मेरिट की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड जरूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो निश्चित रूप से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको ऑनलाइन क्लासेज के साथ साथ PDF में जो क्लास नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। आप यहां से डाउनलोड करके आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा क्लास है वो आपको मैं बताता चलूं कि चैप्टर नंबर है आपका 7, ठीक है। और चैप्टर का नाम क्या है, मेजरमेंट ऑफ पावर इन थ्री फेज सर्किट, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि चैप्टर नंबर ये है आपका 7 और इसमें दो या तीन क्लासेज होंगी, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाता है एग्जाम में। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि चैप्टर नंबर 7 है और क्लास नंबर 1 है ये। और चैप्टर का नाम जो ध्यान रखना है दोस्तों वो है त्रिकला परिपथों में विद्युत शक्ति का मापन, यानी कि मेजरमेंट ऑफ पावर इन थ्री फेज सर्किट्स, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं पावर की, तो पावर के बारे में आपको पता ही है कि जनरल जो पावर होता है वो होता है आपका P into VI, या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं V² / R, या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं I² * R, ये पावर होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे पावर है ना, वो DC पावर है, ठीक है, डीसी पावर है। लेकिन यहाँ पर मेजरमेंट करना है थ्री फेज पावर का, और थ्री फेज सर्किट का पावर मेजर करने के लिए आपको पता है कि थ्री फेज का मतलब क्या होता है, थ्री फेज का मतलब होता है आपका AC पावर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे AC पावर की, क्योंकि ये थ्री फेज है और फेज की जब भी बात आ जाए समझ लीजिए कि AC की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग AC की बात करेंगे, ठीक है। और AC जो पावर है ना, वो देखिए तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका एक्टिव पावर, एक्टिव या इसे हम कहते हैं ट्रू, या फिर हम कहते हैं रियल पावर, ठीक है। ये सारे के सारे नाम एक ही हैं, इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक शक्ति, अच्छा। और इसको फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, P = VI cos φ, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका सेकेंड नंबर पे, वो है आपका रिएक्टिव पावर, और रिएक्टिव पावर को हम लोग कहते हैं प्रतिघाती शक्ति, और इसको हम लिखते हैं फॉर्मूला क्या, Q = VI sin φ, ठीक है। और तीसरा जो होता है दोस्तों, वो होता है आपका एपरेंट पावर, ठीक है। एपरेंट पावर को हम हिंदी में कहते हैं आभासी शक्ति, और आभासी शक्ति को हम रिप्रेजेंट करते हैं S से, और ये होता है आपका VI, ठीक है। तो इन तीनों फॉर्मूला को आप ध्यान रखेंगे, ये तीनों के तीनों क्या है, AC पावर है। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हमें हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या जो हमारे लिए रिलेवेंट पावर है, वो है आपका वास्तविक शक्ति, यानी कि एक्टिव या ट्रू या फिर रियल पावर। तो इसके फॉर्मूला को खास ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यही हम इसी का मेजरमेंट करते हैं। क्योंकि जो एनर्जी है, एनर्जी की जो एक्चुअल यूज होता है वो आपका ट्रू पावर के रूप में होता है, यानी कि इस ट्रू पावर इंटू टाइम को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एनर्जी बनता है। ये चीज हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था एनर्जी मीटर, वहां पर मैंने आपको बताया था कि एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं VI cos φ into T।
तो ये जो पी आई कॉस फाइव था ये आपका क्या था, ट्रू पावर था, यानी कि पी और ये है टी। तो पी इंटू टी को हमने कहा था एनर्जी, ये आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको फॉर्मूला पिछले क्लास में, पिछले मतलब चैप्टर में, तो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इन दोनों को ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं, ज्यादा मतलब हमें इससे रखना होता है जो कि वास्तविक पावर है, ठीक है। तो इस वास्तविक पावर को मापना है, और चूंकि तीन फेज है तो तीन फेज में हमें तीनों फेज के पावर को मेजर करना होता है। और आप सभी को पता है कि पावर को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वाट मीटर, ठीक है। आप सभी को क्या पता है कि पावर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं वाट मीटर। तो वाट मीटर क्या होता है, इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में, जहां पर हमने वाट मीटर पढ़ा था। तो वाट मीटर एक अलग चीज थी, और वहां पर हमने देखा था किसी भी पावर को कैसे मेजर करते हैं, बट यहाँ पर जो मेजर करना है वो थ्री फेज पावर को मेजर करना है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि वाट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम पावर को मेजर करते हैं। अब यहां पर क्या है ना कि थ्री फेज पावर को मेजर करना है, क्या थ्री फेज पावर को, त्रिकला को। तो तीन फेज के पावर को यूज करने के लिए आप लोग वाट मीटर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तीन फेज होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि तीनों फेज में आप वाट मीटर, तीन वाट मीटर लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं और पावर का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम जिसमें प्रत्येक फेज के, तीनों फेज के प्रत्येक फेज में एक एक वाट मीटर लगा करके पावर का मेजरमेंट किया जाए, कहलाता है तीन वाट मीटर विधि, ठीक है। मैंने क्या कहा फिर से सुन लीजिए कि तीन फेज सिस्टम जो है, थ्री फेज सिस्टम है, उसके सभी फेज में एक एक वाट मीटर लगा करके अगर हम तीनों फेज का पावर मेजरमेंट कर ले जिस विधि के द्वारा, वो विधि कहलाता है तीन वाट मीटर विधि। तीन वाट मीटर विधि में क्या होता है दोस्तों कि हर एक फेज के साथ एक एक वाट मीटर लगाना पड़ता है, और लास्ट फाइनली में हमें सबका समीशन करना होता है। तो तीन वाट मीटर लगाने के केस में होता क्या है कि आपको तीन तीन वाट मीटर लगाना पड़ता है, जिसके पीछे आपको कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाता है ना। और तीन फेज वाट मीटर, तीन वाट मीटर विधि में आपके सारे के सारे सिस्टम बैलेंस होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो मेजरमेंट है वो गड़बड़ा हो सकता है, गड़बड़ा जा सकता है, या फिर कह सकते हैं कि वो मिस्टेक हो सकता है, एरर आ सकता है, ठीक है। तो तीन वाट मीटर मेथड को यूज करें। उसके बाद होता क्या है कि इसके खर्च को थोड़ा कम करने के लिए और बैलेंस और अनबैलेंस दोनों करंट को या दोनों पावर को मेजर करने के लिए हम लोग दो वाट मीटर विधि द्वारा यूज कर लेते हैं। दो वाट मीटर विधि में क्या होता है, दो वाट मीटर विधि में क्या होता है कि किसी एक फेज को कॉमन कर देते हैं, और दो तीनों फेज के साथ हम दो वाट मीटर को जोड़ करके हम लोग पावर का मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये कहलाता है दो वाट मीटर मेथड, ठीक है, यानी कि दो वाट मीटर विधि। तो ध्यान रखेंगे कि थ्री फेज सिस्टम को मापने के लिए दो वाट मीटर का इस्तेमाल अगर करते हैं तो ऐसी विधि कहलाती है दो वाट मीटर विधि। अब जो आप बात होती है एक वाट मीटर विधि की, तो एक वाट मीटर विधि जो है ये हम लोग क्या करते हैं कि एक फेज में लगाते हैं, या बारी बारी से तीनों फेज में एक ही के थ्रू हम पावर मेजरमेंट कर लेते हैं और फिर सबको ऐड या सम अप कर देते हैं। तो ये जो मेथड इतना इफेक्टिव नहीं है और इसलिए एग्जाम में आता नहीं है जनरली, ठीक है। जनरली टू वाट मीटर मेथड आता है, थ्री वाट मीटर मेथड भी शायद ही पूछा जाता है, बहुत ही हिरले बिरले, बहुत ही कम चांसेस का पूछने का। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका वो है आपका टू वाट मीटर विधि, और यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और यही आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए तीन वाट मीटर विधि भी समझाऊंगा, ताकि आपको टू वाट मीटर विधि में समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं थ्री वाट मीटर विधि। तीन वाट मीटर विधि द्वारा शक्ति का मापन, इस विधि में तीन वाट मीटर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इस, ये जो इस विधि में क्या करते हैं, प्रत्येक फेज में एक एक वाट मीटर लगा देते हैं, एक एक वाट मीटर लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं देखिए, देखिए अब आपको बताता हूं मैं कि थ्री फेज को कनेक्शन के लिए हम लोग, आपने पढ़ा भी होगा कि दो तरीके के कनेक्शन होते हैं, ठीक है। एक कनेक्शन होता है आपका स्टार कनेक्शन, ठीक है, स्टार, या फिर इसको हम वाई कनेक्शन भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। दूसरा होता है आपका इसका डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए हमें पढ़ना है, दोनों के लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है, स्टार के लिए भी और डेल्टा के लिए भी। इस स्टार कनेक्शन को हम लोग सीरीज कनेक्शन भी कह देते हैं, और इस डेल्टा को हम लोग पैरेलल कनेक्शन भी कहते हैं,
ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्टार है ना, उस स्टार में करंट की वैल्यू जो है वो सेम होती है, ठीक है, प्रत्येक फेज में। और जो डेल्टा कनेक्शन है उसमें वोल्टेज में प्रत्येक फेज में सेम होता है, और इसीलिए इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है। और इसको सीरीज कनेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि सीरीज जो है प्रत्येक में फेज में सेम है, और आपको पता है कि जहां पर करंट सेम होता है उसको हम लोग सीरीज कहते हैं। दैट्स व्हाई इसको इसका नाम दिया गया सीरीज कनेक्शन, और इसका नाम दिया गया डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, यानी कि स्टार कनेक्शन। देखिए तो स्टार कनेक्शन ये है, आप देख सकते हैं कि यहां से स्टार कनेक्शन बनाया गया। स्टार कनेक्शन का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कनेक्शन बना सकते हैं, दोनों चलेगा, ठीक है। और डेल्टा कनेक्शन में कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, इसको आप कनेक्शन ले लीजिए ऐसे, अब देखिए यहां पर आप सभी को पता ही है कि हमारा जो तीन फेज है, तो तीन फेज का नाम क्या है, एक का नाम है आपका आर फेज, एक का नाम है आपका वाई फेज, और दूसरे का नाम है आपका, तीसरे का नाम है आपका वी फेज। देखिए तो आर फॉर रेड होता है, वाई फॉर येलो होता है, बी फॉर ब्लू होता है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन जब भी हम स्टार कनेक्शन की बात करते हैं तो वहां पर एक और फेज लेना पड़ता है, एक और एक्स्ट्रा लाइन लेना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल एन फेज, ठीक है। तो अब आपको समझ में आएगा होगा कि तीन फेज है लेकिन चार वायर है, चार वायर इसलिए क्योंकि चारों को जोड़ना पड़ेगा, और फेज तो तीन ही है क्योंकि एक तो न्यूट्रल है, ठीक है। तो देखिए यहां पर ध्यान से, ये है आपका नोड, इसे कहते हैं हम लोग नोड, ठीक है। यहां पर आकर सारे के सारे पॉइंट्स जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे आप यहां से कि ये जो फेज है ये आर फेज है, और ये जो फेज है ये वाई फेज है, ये जो फेज है वो बी फेज है, और ये जो फेज है वो न्यूट्रल है। तो हमने क्या किया, क्या पढ़ा, हमने पढ़ना क्या अभी, थ्री वाट मीटर मेथड, थ्री वाट मीटर मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यानी कि तीनों फेज में वाट मीटर लगाना है। तो देखिए हर एक फेज में हमने वाट मीटर लगाया है, तो एक सिरा हम लोग क्या करते हैं, वाट मीटर आपको सभी को पता है, वाट मीटर में हमें बेसिकली दो चीजें मापना होता है, वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग पीसी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पोटेंशियल कॉइल लगाते हैं, और करंट को मेजर करने के लिए हम लोग सीसी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि करंट कॉइल इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, पिछले के पिछले चैप्टर में, यानी कि चैप्टर नंबर 5 में, वाट मीटर, और वाट मीटर मैंने पढ़ा था, आपको बताया था कि पीसी एंड सीसी दो कॉइल के थ्रू हम लोग वोल्टेज एंड करंट को मेजर करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर पावर का मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हर एक वाट मीटर में दो कॉइल्स होते हैं, आपको बताया गया है, दो कॉइल्स होते हैं, एक का नाम होता है पीसी और एक का नाम होता है सीसी। पीसी मेजर करता है, प्रेशर कॉइल कहते हैं या फिर पोटेंशियल कॉइल कहते हैं, जो कि मेजर करता है वोल्टेज को, और सीसी को हम लोग कहते हैं करंट कॉइल, जो कि मेजर करता है करंट को। तो ये देखिए आपका ये आर फेज है, आर फेज का हमें मापना है पावर। तो हमने क्या किया, इस फेज के सीरीज में एक कॉइल लगा दिया, और आप सभी को पता है कि हम लोग सीरीज में कौन से कॉइल को कनेक्ट करते हैं, सीरीज में हमेशा हम लोग सीसी को कनेक्ट करते हैं, यानी करंट कॉइल को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि करंट जो है वो सीरीज में सेम होता है, और वहां पर आपको करंट को मेजर करना होता है, तो इसलिए हम लोग सीसी लगाते हैं, यानी कि करंट कॉइल लगाते हैं, हिंदी में कहते हैं धारा कुंडली। तो आप देखेंगे किस आर फेज के साथ ये ऐसे गया और ऐसे आपका लग गया है सीसी। अब हमें पीसी को कनेक्ट करना होता है हमेशा पैरेलल टू द फेज। तो यहां पर देखेंगे कि यहां पर ये जो पोटेंशियल कॉइल है इसका नाम है पीसी, ये पीसी जो है वो एक यहां से आर फेज से कनेक्ट होने के बाद ये एन पर जुड़ गया, ये एन कॉमन है, यानी कि इस फेज के लिए आप देखेंगे यहां से यहां तक देखेंगे ये जो पीसी है ना वो पैरेलल में आ गया है, और चूंकि पैरेलल में आ गया है इसलिए हम लोग कहते हैं पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल, जो कि वोल्टता कुंडली हिंदी में कहलाता है, ठीक है। हाँ, आप देखेंगे कि यहां से इस फेज का हम लोग करंट माप लेंगे, यहां से मिल जाएगा आपको करंट और यहां से मिल जाएगा आपको वोल्टेज, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा पावर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो पावर है उसका मेजरमेंट हो जाएगा, और ये मेजरमेंट होकर के आपको देगा पावर वन, जिसे हम कहते हैं डब्ल्यू वन, ठीक है, ये रहा लिखा हुआ डब्ल्यू वन। इसी तरीके से वाई फेज के लिए हम लोग देखिए सीरीज में सीसी लगा दिया है, और पैरेलल में हमने क्या लगा दिया, न्यूट्रल के साथ पीसी, ये है सीसी और ये है पीसी, सीसी और पीसी, सीसी देगा करंट
और पीसी देगा आपको वोल्टेज, दोनों को मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा हमें डब्ल्यू टू। ठीक है, इसी तरीके से बी फेज के लिए आप देखेंगे कि बी फेज के साथ सीरीज में यह है सीसी और बी फेज के साथ ये पैरेलल में है न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड पीसी। तो सीसी देगा आपको करंट आई, पीसी देगा आपको वी, मिल जाएगा आपको वी आई और कहलाएगा डब्ल्यू थ्री। तो टोटल पावर कितना हो जाएगा, टोटल पावर हो जाएगा इन तीनों का सम। मैंने आपको बताया था कि तीनों को सम कर लेंगे, तो तीनों को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल पावर P इक्वल टू हो जाएगा आपका W1 प्लस W2 प्लस W3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हमने तीनों फेज का हमने पावर का मेजरमेंट कर लिया। ठीक है, तो इसमें कुछ और अगर समझना चाहते हैं इस डायग्राम में तो कुछ इतना खास है नहीं, लेकिन चलिए मैं बताता हूँ फिर भी। ये जो देख रहे हैं ना आपको, ये L1 L2 L3 ये एक्चुअली में लाइन है या फिर इंपीडेंस आप मान सकते हैं इसको, रेसिस्टेंस है, कुछ लोड होता है हर एक फेज का अपना। तो ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर कनेक्टेड है और ये होता है क्या, इसको कहते हैं हम नोड। ठीक है, यहाँ पर आप केसीएल भी अप्लाई कर सकते हैं। नोड का मतलब यह है कि सारे के सारे जंक्शन, सारे के सारे जो ब्रांचेज है वो इस जंक्शन पे आके मीट कर रहा है, इसलिए इसका नाम नोड है। ठीक है, बाकी आरवाई भी बता दिया मैंने, ऑलमोस्ट सारी चीज इसमें से बता दिया, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। अब इससे समझ में आने से क्या होगा कि आपको आगे चीजें समझ में आनी चाहिए, जो आपको टफ लग सकता है वो आपको आसान बन जाएगा। ठीक है, मेरी सब चीजों को आप समझ रहे हैं। तो ये देखिए, स्टार संयोजित भार के लिए तीन वाटर मीटर विधि का संयोजन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, ये था स्टार के लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे डेल्टा के लिए। तो डेल्टा के लिए नेक्स्ट पेज पाते हैं, ये है दोस्तों डेल्टा के लिए। तो डेल्टा में फिर से क्या है, देखिएगा आप कि डेल्टा में है ना न्यूट्रल एब्सेंट होता है, इसमें न्यूट्रल जो वायर होता है वो नहीं होता, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर से क्या है, आर है, वाई है एंड बी है, तीन फेज है, न्यूट्रल है नहीं। तो ये मैंने आपको बताया था कि डेल्टा कुछ इस तरीके से होता है, तो वही सेप आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो हर एक फेज में मुझे क्या लगाना है, सीसी और पीसी लगाना है। तो देखिए यहाँ पर, ये अगर मान लीजिए ये है आपका, सपोज कीजिए एक फेज है, ये है आपका आर और ये है आपका वाई। तो इसको हम लोग आर वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, चूंकि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है इसलिए से हम लोग कहते हैं ई आर वाई। ठीक है, अब इस ई आर का मतलब क्या हुआ, ई आर वाई का मतलब हुआ लाइन वोल्टेज। ठीक है, दो लाइन के बीच का जो वोल्टेज होता है ना वो लाइन वोल्टेज कहलाता है। ये यूं कहें कि दो, ये है फेज। ठीक है, ये एक फेज है, ये एक फेज है, ये भी एक फेज है और ये भी एक फेज है। तो दो फेज के बीच का जो वोल्टेज होता है ना वो लाइन वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, और जो किसी फेज का वोल्टेज होता है ना उसे हम लोग कहते हैं फेज वोल्टेज। ठीक है, तो समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि ये है आपका एक फेज है, एक फेज ये है, एक फेज ये है, तो इसके इसके बीच का जो वोल्टेज होगा ना उसको हम लोग कहेंगे फेज वोल्टेज। ठीक है, इस पर हम लोग डिटेल में और ध्यान से देखेंगे, चर्चा करेंगे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा उसमें। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर फिलहाल ई आर वाई, चलिए इसको मैं मिटा ही देता हूँ अगर आपको अभी नहीं समझना है तो, क्योंकि डाइवर्ट नहीं होना, जो चीज़ समझाना मैं चाहता हूँ उसको समझिए बस। ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये जो सीसी है ना वो कनेक्टेड है इसके साथ सीरीज में बिल्कुल, और उसके साथ हमने एक पीसी कनेक्ट कर रखा है, ये सीसी और ये इसके साथ हमने एक पीसी कनेक्ट कर रखा है जो कि इस इंटरनोड पे जाकर के लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको करंट मिल जाएगा, यहाँ से करंट मिल जाएगा, यहाँ से वोल्टेज मिल जाएगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा डब्ल्यू वन, या फिर यहाँ पर मान लीजिए ये है डब्ल्यू मान रखा है इन्होंने, तो डब्ल्यू वन यहाँ मिल जाएगा, डब्ल्यू टू यहाँ मिल जाएगा और डब्ल्यू थ्री यहाँ मिल जाएगा। तो प्रत्येक फेज के लिए हमने सीसी एंड पीसी लगाया है, देख सकते हैं आप, और इन सीसी पीसी से हमें करंट एंड वोल्टेज मिल करके आपका पावर मिल जाएगा। एक बार फिर से जो आपका पावर का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री। ठीक है, तो जब आपको स्टार कनेक्शन समझ में आ गया तो इसका मतलब डेल्टा कनेक्शन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा करंट को देख लेते हैं कि करंट कैसे एक्चुअल में फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है इस चीज को हम देख लेते हैं, क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर आपको दिक्कत होगी अगर आप इस चीज से नहीं समझेंगे तो। ठीक है, तो ये है नोड। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे नोड हैं। तो आपको नोड पर पता करना है कि करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पता है नोड पर हम लोग करंट की वैल्यू पता करने के लिए क्या लगाते हैं, केसीएल लगाते हैं। केसीएल मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ। तो हर एक नोड पर लगा दें, क्या दिक्कत है, यहाँ पे लगाते हैं सपोज कीजिए इस नोड पर।
इस नोट पर देखिए कि आपको पता है ना कि जो KCL है वो क्या कहता है, इनकमिंग करंट इजकल टू आउटगोइंग करंट, यानी अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इजकल टू अलजेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट, इनकमिंग आउटगोइंग करना है बराबर। तो देखिए अगर इस पर हम देखें तो आप पाएंगे कि यहां से करंट, कोई करंट आ रहा है और इस करंट का हमने नाम दिया है IR, ठीक है, ये करंट आ रहा है। और कोई आ रहा है क्या? हाँ, एक और ये भी आ रहा है, इसका नाम दिया है हमने, ये देखिए चूंकि फेज टू माना हमने तो इसको मान लीजिए I2, ठीक है। तो आप ये देखिए कि इस पर अगर मैं लगाऊंगा KCL, तो KCL में क्या कहता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इधर कौन सा करंट जा रहा है, ये फेज वन मान रखा है मैंने, तो इधर जा रहा है कौन सा, I1, ठीक है, और ये है I2 और ये है आपका I3, तो जिसमें जो है उसको मैंने मान लिया। तो यहां पर देखिए कि हम लिखेंगे इसको, इसमें आर कौन कौन रहा है, एक तो आ रहा है IR प्लस एक आ रहा है आपका I2, और जा कौन रहा है, एक जा रहा है मात्र, कौन सा, I1। तो यहां से IR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, IR इज इक्वल टू हो जाएगा I1 माइनस I2, ये बन जाएगा। तो ये तो लिख रखा है यहां पर I1 माइनस I2, ठीक है। अब कैसे लिखा है I1 माइनस I2 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो अब समझ में आ जाएगा, दोबारा से फिर बता रहा हूं मैं। देखिए इसके लिए यहां पर लगाइए KCL, यहां पर देखिए कौन कौन सा आ रहा है, देखिए I1 आ रहा है, ठीक है, और इधर की तरफ लगाओ यानी कि इधर की तरफ I3 जा रहा है, तो इसको मैंने मान लिया IB। क्यों IB मान लिया हमने, क्योंकि ये बी फेज है, तो बी फेज में जो करंट फ्लो होगा IB भी तो होगा, फेज करंट ऑफ बी। तो यहां देखिए ये आ कौन कौन रहा है, एक तो आ रहा है आपका I1 और एक आ रहा है IB, यानी कि IB प्लस I1 आ रहा है, ठीक है। देखिए I1 आ रहा है, एरो इधर की तरफ है, और ये जो है ये इधर की तरफ आ रहा है, तो ये भी आ रहा है, तो इधर से जा कौन रहा है, देखिए एरो इधर की तरफ है, जा कौन रहा है, जा रहा है आपका I2, ये I3 है, I2 है, ये 3 है, सॉरी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि IB मुझे लिखना है, तो IB इक्वल टू क्या हो जाएगा, IB इक्वल टू हो जाएगा I3 माइनस का I1, ठीक है, I3 इस तरफ जाएगा तो I1 हो जाएगा माइनस का, तो यानी कि IB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I3 माइनस I1। तो देखिए इसमें जो जा रहा है करंट वो IB ही तो है, ये लिख रखा है यहाँ पर, तो IB बराबर क्या हो जाएगा, I3 माइनस I1 हो गया का, ठीक है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, सब फेज में लगा लेना, अब यहाँ भी लगा सकते हैं आप, लगा लीजिए, मैं पेन चेंज कर देता हूँ, यहां पे लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए आने वाला कौन कौन है, अब एक तो आ रहा है आपका IY, ये IY, एक तो आ रहा है आपका IY, और कौन आ रहा है इधर, इधर की तरफ आ रहा है एक I3, तो प्लस I3 हो जाएगा, और जा कौन रहा है, जा रहा है ये I2, तो मुझे IY लिखना है तो क्या हो जाएगा, I2 माइनस I3। देखिए ये रहा, ये तो रहा I2 माइनस I3, हो गया काम। तो इस तरीके से आप करंट को लिख सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, और नहीं अगर आपको समझना है तो फिर इस तरीके से आपको KCL लगा करके क्विकली करना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए आपको अच्छे से बताया, नहीं तो आप तुरंत दिमाग लगा के देखते ही पता चल जाएगा आपको कि इसमें I2 माइनस I3 होगा, इसमें I3 माइनस I1 होगा, इसमें I1 माइनस I2 होगा, बाकी मैंने यहाँ पर बता दिया है कैसे हो रहा है ये चीज, ठीक है, तीनों के लिए बता दिया मैंने, इस वक्त का ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि JEE क्लासेज आप सभी के लिए ऑफलाइन बैचेज लेके आया है, जिसमें आप अपने SSC JEE, UPSC JEE और UPSC जैसे जितने भी जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन होते हैं आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिवाइज स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट की सुविधा मिलती है, डॉट सेशन, ये सारी सुविधा आपको मिल जाती है, ठीक है, तो ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये थ्योरी जो था आपका थ्योरी है 3 वाट मीटर मेथड का, ये आपको मैंने बता भी दिया पहले भी कि तीनों का आप जोड़ देंगे W1 प्लस W2 प्लस W3 बीजगणितीय योग हो जाएगा इसका, तो ये मिल के आ जाएगा टोटल पावर, ये आ जाएगा आपका टोटल पावर मिल गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 वाट मीटर मेथड। देखिए 2 वाट मीटर मेथड हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं आज की इस क्लास को यही रोकते हैं, क्योंकि 2 वाट मीटर मेथड कम से कम 30 मिनट का है आपका लेक्चर, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग आज की क्लास में अगर करेंगे तो ये काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप क्या करेंगे, जो चीज आज मैंने बताया है 3 वाट मीटर मेथड, ये हालांकि एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 3 वाट मीटर मेथड,
आ भी जाता है कभी कभार, लेकिन बहुत कम आता है। लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको 3 वाट मीटर मेथड के जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताए हैं वो अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप 2 वाट मीटर मेथड को भी अच्छे समझ लेंगे। और 2 वाट मीटर मेथड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जब कभी आएगा तो 2 वाट मीटर मेथड ही जनरली आता है, ठीक है। तो अच्छे से उसको क्या करेंगे, आप कवर कर लेंगे और बढ़िया से रिविजन कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे क्या 2 वाट मीटर मेथड, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, रिविजन करते रहिए और मस्त रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।